नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों के आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्सियम पर। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर के आऊँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली टॉपिक हमारा है कोई भी पाथ के लिए, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पाथ को छोड़ करके कर्वेचर की बात होगी तो कहीं ना कहीं कर्व पाथ होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पाथ होता है जिसके कि रेडियस तो होंगे नहीं, रेडियस तो इन्फाइनाइट हो जाएंगे, है ना। तो कोई कर्व पाथ अगर है ना, तो अगर कोई बॉडी ऐसा इस पाथ को फॉलो कर रहा है, या फिर हम ऐसे नहीं कह सकते तो हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि कोई पाराबोलिक पाथ एज्यूम कर रहा है। हम लोग पढ़े हुए हैं ना पाराबोला पाथ, ये प्रोजेक्टाइल मोशन है ना, या फिर जिसको हम लोग ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन भी कहते हैं, या फिर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल बोलते हैं, या फिर इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल, जिस भी तरह के प्रोजेक्टाइल को समझना है, ठीक है। तो ऐसा पाथ हो गया, या फिर हम लोग समझ सकते हैं सर्कुलर मोशन, ये भी तो हमारा कर्व पाथ हो जाता है ना। तो इन सब का कहीं ना कहीं एक रेडियस भी होता है, सर्कल का तो होता ही है डेफिनेटली, लेकिन अगर कोई ऐसा पाथ है तो इसका कहीं ना कहीं, अगर मैं इस पॉइंट से जा रहा हूँ ना, कोई बाइक वाला पर्सन है ना, कुछ इस पाथ पे यूं करके जा रहा है ना, बाइक समथिंग लाइक है ना, ऐसे जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं एक लोकल रेडियस बनेगा। मेरे को यही पता करना है इसका लोकल रेडियस कितना है ना। एक छोटे से कर्व से पास करता हुआ कोई ना कोई एक सर्कल बनेगा, और जिसका कि रेडियस के बारे में हम लोग बात करेंगे, इज दैट ओके। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर सपोज कर लिया है। इसको पता करने के वैसे दो अप्रोच हैं, एक मैथमेटिकल अप्रोच है और एक फिजिकल अप्रोच है। हम लोग दोनों ही कवर करेंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल इसके बिहाफ में देखेंगे कि कैसे इसको डील करना है, इज इट ओके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास एक एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इज इट ओके। और यहाँ पर कोई बॉडी कुछ इस तरह से, इस तरह के कोई पाथ पे चल रहा है, दिख रहा है ना भाई। सपोज कर लेते हैं भाई पर्सन है, दिख रहा होगा बाइक वाला, वो घरे निकल गया, इज इट ओके। तो जब ये जा रहा होगा तो मेरे को ये पता करना है कि जब वो यहाँ है, तो जब वो इस पॉइंट पर है, किसी ए पॉइंट को पास कर रहा था, तब उसका एक दिख रहा है एक सर्कुलर पाथ को, मतलब कर्व पाथ बना करके जा रहा है, तो इस पाथ का सर्कल का रेडियस क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कुछ और सर्कल बनेगा, यहाँ पर ऐसा कुछ सर्कल बन रहा होगा, है ना। तो हर जगह पे रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग होंगे, और जहाँ वेरिएशन आया, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आया, ये बात तो हम लोग को पता है, इज इट ओके। तो बहुत आसान सा चीज़ है डील करने के, बहुत सिंपल तरीके हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं, अभी जो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा पहले हम लोग देखते हैं फिजिकल अप्रोच। ऐसे देखो फिजिकल अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिजिकल अप्रोच क्या होता है, इसको सर्कुलर मोशन अप्रोच भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं इसको, सर्कुलर मोशन अप्रोच कहते हैं। आप लोग बस ध्यान से देखते रहो, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये बेसिकली जेई एडवांस के लिए थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा मैथमेटिकल है ये, और जेई मेन या नीट वालों के लिए कॉन्सेप्चुअल अगर कह सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा थ्योरी का यूज़ हुआ है, ओके। तो बने रहे हैं, है ना। तो सर्कुलर मोशन अप्रोच के बारे में बात कर रहे हैं ना, इज दैट ओके, अप्रोच लिखा हुआ यहाँ पर, इसके ऊपर बात करते हैं। तो जैसा कि सर्कुलर मोशन में हम लोग जानते हैं कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उसके पास कुछ चीज़ें होती है, क्या, एक तो भाई वेलोसिटी होता है जिसको भी वेक्टर कहते हैं, जो कि हर समय रेडियस के परपेंडिकुलर होता है, और एक चीज़ होता है एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, और एक होता है रेडियल एक्सेलरेशन AR। और उसके बाद अगर इन दोनों के मेल से अगर हम लोग नेट एक्सेलरेशन देखें तो A इधर की तरफ बनेगा, इज इट ओके, ये भी वेलोसिटी वैल्यू हमारा इधर की तरफ बनता है। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ए टेंजेंशियल जो होता है, जिसको हम लोग कहते हैं dv/dt, कहते क्या, ये क्या हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इज इट ओके, ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है। अब ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है क्यों,
कि अगर कोई बॉडी चल रहा होगा, सर्कुलर पाथ में चल रहा होगा, तो इधर की तरफ जाने के लिए वो कहीं ना कहीं डिस्टेंस तो कवर कर ही रहा है, तो उसने कहीं ना कहीं डीएल डिस्टेंस कवर किया है किसी डीटी टाइम में, तो उसको कह सकते हैं यहाँ पर वेलोसिटी जो होगा दैट वेलोसिटी इज इक्वल टू डीएल अपॉन डीटी, कह सकते हैं क्या, दैट डीएल अपॉन डीटी इज वेरी, डीएल इज वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन वेरी स्मॉल टाइम, तो डीएल अपॉन डीटी दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी अलोंग द टेंजेंट, है ना, वेलोसिटी अलोंग टेंजेंट। और अगर इस वेलोसिटी में अलोंग द टेंजेंट की वेलोसिटी में चेंज आता है, इज इट ओके, अगर ये वेलोसिटी दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम हो जाए, टाइम पर डिपेंड कर जाए, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये वेलोसिटी बढ़ रहा होगा तो जानते हैं एक्सेलरेशन होगा, जिसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कहते हैं, इज इट ओके। तो ए टी बराबर क्या हो गया, दैट डी वी बाय डी टी, इज इट ओके। अब सेकेंड बात कर सकते हैं ए रेडियल, जिसको हम लोग सेंट्रीपिटल भी एक्सेलरेशन बोलते हैं, है ना, ये क्या है हमारा वी स्क्वायर अपॉन दैट इज द रेडियस आर, है ना, दैट मच ऑफ वेलोसिटी, है ना, दैट मच अमाउंट ऑफ वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाय आर, दैट इज योर रेडियल एक्सेलरेशन, क्या बोलेंगे इसको, रेडियल एक्सेलरेशन या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं इसको, ओके, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। ए क्या है, ए है हमारा ए टी और ए आर का स्क्वायर का रूट टाइप का, नहीं आ जाएगा क्योंकि परपेंडिकुलर होंगे यहां पर से, ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं यहां से, हम थोड़ा इरेज वगैरह कर दें क्या, इसको कर ही देते हैं, जरूरत नहीं है हमें इसकी, ठीक है, क्योंकि हो चुका है सब खत्म इसमें, फिजिकल अप्रोच इज वेरी वेरी इजी, है ना, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू जो हम लोग जानते हैं ए टी का स्क्वायर प्लस ए आर का होल स्क्वायर, है ना, और दैट एक्सेलरेशन वेक्टर अगर हम लिखे इसको तो हम कहेंगे इसको डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, मतलब वेलोसिटी वेक्टर, नॉट वेलोसिटी, दैट वेलोसिटी मैग्नीट्यूड में अगर चेंज आ रहा है तो तुम्हें एक्सेलरेशन टेंजेंट वाला मिल रहा है, लेकिन अगर वेलोसिटी वेक्टर में अगर चेंज आ रहा है तो उसे तुमको एक्सेलरेशन नेट वाला मिलेगा, जो होता भी है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए एक्सेलरेशन वेक्टर का, अगर डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, इज इट ओके, तो दैट इज योर नेट एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया, नेट एक्सेलरेशन ऑफ सर्कुलर, मतलब ऑफ बॉडी, है ना, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, इज इट ओके। और हम लोग यहां पर से लिख सकते हैं, एक चीज जान सकते हैं यहां से कि ये हॉरिजॉन्टल से इसने कुछ, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं सॉरी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन से कुछ ना कुछ एंगल बनाया हुआ है इसने, इज इट ओके। तो ए का एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, नहीं आई समझ में, ए का एक कंपोनेंट इधर बनेगा और एक कंपोनेंट इधर बनेगा, तो ए टी क्या होगा, ए का कॉस थीटा और ए आर क्या हो जाएगा, ए का साइन थीटा, नहीं होगा, तो हम लिख सकते हैं यहां से ए टी इक्वल टू ए टी इक्वल टू ए कॉस थीटा और ए आर इक्वल टू ए साइन थीटा, इज इट ओके। और हमें पता है ए आर इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर, मतलब ये समझ में आता है कि नहीं, बी स्क्वायर बाय आर, जिस भी समय मान लेते अगर कोई सर्कुलर पाथ कर रहा था बॉडी, है ना, हम इसको थोड़ा इरेज कर देना चाहते हैं क्योंकि जगह नहीं बचा इधर, तो मान लेते यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर जो भी वेलोसिटी होगी, यहाँ वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है कुछ और होगा, यहाँ पर 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 कुछ और होगा, तभी तो इधर की तरफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, अगर चेंज नहीं करेगा तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं होगा, सारे के सारे सिर्फ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होंगे, तो इधर की तरफ क्या है हमारे पास टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और ये सेंटर अगर है इधर की तरफ क्या है हमारा रेडियल एक्सेलरेशन, तो लिख सकते हैं यहाँ से कि ए आर जो है वो हमारा वी स्क्वायर बाय आर है, ये उस जगह पर यहाँ पर जो वेलोसिटी है उसका होल स्क्वायर बाय आर है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होगा उसकी अलग वैल्यू, मान लेते हैं यहाँ पर वेलोसिटी है यू, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन सेंट्रल मतलब जिसको रेडियल लिख सकते हैं वो जगह हमारा यू स्क्वायर बाय आर, जो भी लोकल इस जगह पे पूछेगा तो यहाँ का मेरे को वेलोसिटी निकालना पड़ेगा, उसका स्क्वायर करना पड़ेगा और बाय आर कर देंगे तो हमें रेडियल एक्सेलरेशन मिल जाएगा, इज इट ओके। तो यहाँ पर से लिख सकते हैं ए स्क्वायर इक्वल टू वी स्क्वायर, जो कि लोकल उस समय का उस जगह का वेलोसिटी होगा बाय आर। हमारा टॉपिक है रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर, हम टॉपिक लिखेंगे,
रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्या यही रेडियस पता करना है क्या? तो आर इक्वल टू हम लिख सकते हैं क्या, वी स्क्वायर अपॉन ए साइन थीटा, हमें यही पता करना है, दैट्स इट। कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं मैथमेटिकल अप्रोच की तरफ जो ज़्यादा अच्छा है, फिर न्यूमेरिकल बनाते हैं। तो अभी देख रहे थे हम लोग फिजिकल अप्रोच है ना, तो जो सर्कुलर मोशन अप्रोच था वो हमारा, उसी के बारे में बात कर रहे थे। अब बात करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच, जो कि सबसे ईजी है और इससे सवाल बनाना बहुत आसान है, ठीक है। तो पहले देखते हैं मैथमेटिकल अप्रोच। अब ये मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, तो जैसा हम लोग जानते हैं कोई भी अगर कोई बॉडी है, यही हमारा एक राइडर है जो कि चल रहा है इस पाथ पे ऐसे, है ना। तो सपोज कर लेते हैं ये हमारा कोई कर्वलिनियर, सॉरी रेक्टेंगुलर कार्टेशियन का कोऑर्डिनेट सिस्टम, इतना बड़ा सा नाम ही है ना। तो इस पर कोई बॉडी हमारा कोई y इज इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन टाइप का एक पाथ को ट्रेस आउट करते हुए चल रहा है। तो जब वो किसी ए पॉइंट पर था, उस समय कहीं ना कहीं एक लोकल सर्कल बन रहा था और उसका एक सेंटर यहाँ पर ओ है जिसका रेडियस आर है, हमको यही आर पता करना है। कैसे पता करेंगे, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना, एक काम करते हैं, इस बॉडी को थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर एक टेंजेंट अगर ड्रॉ करें, है ना, एज्यूम कर लेते हैं मैं एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ से कुछ इस तरह से, दिख गया होगा, इज इट ओके। तो यहाँ पर जो टेंजेंट मैंने ड्रॉ किया है, तो हम जानते हैं टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, इज इट ओके। तो मैंने एक परपेंडिकुलर भी ड्रॉप कर दिया और थोड़ा सा इसको डीएल डिस्टेंस हम आगे लेके जाते हैं, मतलब बहुत छोटा सा डिस्टेंस है, मैंने थोड़ा बड़ा बना दिया है, उसने उतना डिस्टेंस में कुछ एंगल थीटा इसने सबटेंड किया होगा, डीएल डिस्टेंस ये कवर हुआ। मैं थोड़ा अगर इसको इनलार्ज करके दिखाऊं, तो ये हमारा हो गया सेंटर, ये हो गया रेडियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, और ये हो गया हमारा डीएल डिस्टेंस, और ये कुछ थीटा एंगल है, दैट एंगल इज़ वेरी वेरी स्मॉल, इज इट ओके। तो इस यहाँ से अगर हम कुछ परपेंडिकुलर वगैरह बनाएं, जिससे हम एज्यूम कर सकते हैं अगर ये डीएल डिस्टेंस कवर किया है, या डीएल वेक्टर अगर कोई कवर किया है यहाँ से यहाँ तक में, तो इसने कहीं ना कहीं एक एक्स में कुछ डीएक्स डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा और वाई में कुछ डीवाई डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, इज इट ओके। और ये अगर थीटा है और ये 90 90 माइनस थीटा हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर है ना, तो उसी तरह से हम यहाँ से देख सकते हैं ये भी हमारा थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा, ज्योमेट्री कर लेना भाई, ठीक है, आसान है, इज इट ओके। तो ये थीटा बन गया, और थीटा अगर ये बन गया, एक एक चीज़ को ध्यान से याद रखना कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि डी वाई बाई डी एक्स क्या होता था, है ना। तो सबसे पहला बात यहाँ पर है, हमें पता क्या करना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, उसके लिए हमने ये देखो तो ये टेंजेंट ड्रॉ किए हैं क्या, ये तो टेंजेंट ही है ना हमारा, ये तो टेंजेंट है, तो हम लिख सकते हैं क्या, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स बोलते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू टैन ऑफ थीटा भी होता था ना, ये तो टेन थीटा, यही थीटा हो जाएगा, जो कि पॉजिटिव एक्स से हमारा इंक्लिनेशन होता है ना, पॉजिटिव इंक्लिनेशन को हम लोग टैन थीटा के रूप में, यानी कि स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन के बारे में बात करते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करते हैं, सॉरी स्लोप ऑफ इंक्लिनेशन नहीं, स्लोप ऑफ टेंजेंट के बारे में बात करते हैं। तो टैन थीटा इज इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा यहाँ से, इतना में तो टेंशन नहीं होना चाहिए हमें। ये बात भी समझ में आता है कि जो डी एल है इसके बारे में हम लिख सकते हैं, डी एल के बारे में लिख सकते हैं डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस में डी वाई का होल स्क्वायर का रूट आ जाएगा, ये डी एल डिस्टेंस, क्योंकि अगर परपेंडिकुलर जो पाइथागोरस का थ्योरम है उसके हिसाब से निकाल सकते हैं यहाँ से। तो डी एल का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर हम यहाँ से डी एक्स कॉमन निकाल लें जो कि रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा वन प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, डी एल आ गया है हमारा। अब एक चीज़ हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एंगल का डेफिनेशन, एंगल का डेफिनेशन क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, है ना, एंगल का डेफिनेशन होता है ना, पढ़े थे ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इज इट ओके। तो आर्क लेंथ यहाँ पर कितना है, देखो, तो अगर एक बॉडी है ये सेंटर पे, इसने एंगल थीटा बनाया हुआ है यहाँ पर से, है ना, तो थीटा अगर इसने बनाया हुआ है तो आर्क लेंथ कितना है, डी एल, और रेडियस है आर, हमें यही तो आर पता करना है। तो आर की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, डी एल अपॉन
थीटा, डीएल मिल चुका है हमें थीटा पता करना है, डीएल मिल चुका है हमें थीटा पता करना है। थीटा कहाँ से मिलेगा? देखो तो टेन थीटा और वाई में एक रिलेशन दिख रहा है ना, तो टेन थीटा देख सकते हैं यहाँ से, टेन थीटा इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स। तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना, ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा, और फिर थीटा का डिफरेंशिएशन डी स्क्वायर अपॉन डी थीटा अपॉन डी एक्स के रिस्पेक्ट में ही हम बात कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ताकि हम इसको डबल डिफरेंशिएशन के रूप में लिख सकते हैं यहाँ से। तो इसको एक बार और कर लेते हैं डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, है ना, डी स्क्वायर बाय, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट का भी स्लोप निकालें, स्लोप ऑफ टेंजेंट, इज इट ओके। तो यहाँ से हम डी थीटा निकाल सकते हैं, है ना, तो डी थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है फॉर्मूला, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन थीटा अगेन डिवाइड बाई डी एक्स, इज इट ओके। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं वन प्लस टेन थीटा की जगह पे डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इंटू डी एक्स। हमें क्या चाहिए था, डी थीटा, थोड़ा टाइडी थ्योरी है एक बार दिमाग में रख लो, लेकिन हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, इससे जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो हमें याद रखने, है ना। तो डी थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स होल वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा डी थीटा, इज इट ओके। मेरे को डी एल मिल चुका है, मेरे को ये डी थीटा दिख रहा है, ये थीटा कन्फ्यूजन नहीं हो रहा ना, क्योंकि ये बेसिकली डी थीटा ही है, बहुत छोटा एंगल ये तो है, थीटा थीटा इज़ वेरी वेरी स्मॉल, तो हम यहाँ पर डी थीटा भी लिख सकते थे, लिख भी देंगे तो बहुत बड़ा टेंशन नहीं आ जाएगा, डी थीटा ही लिख लेते हैं, है ना। तो इसको भी डी थीटा ही कर देते हैं, ये भी डी थीटा हो जाएगा, ये भी डी थीटा हो जाएगा, तो यहाँ से भी ये डी थीटा आ जाएगा, ये भी डी थीटा ही आ जाएगा, मतलब ज़्यादा बवंडर तो नहीं होगा, इज इट ओके। तो डी थीटा आ गया, तो मैं यहाँ से आर देखो तो एल आ चुका है डी एल, और डी थीटा भी आ चुका है, दोनों को सिर्फ डिवाइड करेंगे और हमें ऑप्टिमम रिजल्ट गेन हो जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा इरेज कर दो, आप लोग कॉपी करो पहले, इज इट ओके। तो अभी तक हम लोग डी एल का वैल्यू निकाल चुके हैं, डी थीटा का वैल्यू निकाल चुके हैं, और हमें रेडियस का पता है ना, आर्क लेंथ जो एंगल आता है वो एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन जो रेडियस आता है ना, क्या लिख देते हैं अभी, आर आ जाता है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी एल अपॉन डी थीटा, है ना। हम लोगों ने ये सब निकाल लिया होता ना, कॉपी चेक कर लेना पीछे। तो डी एल का वैल्यू कितना दिख रहा है, डी एक्स, और इसको लिख सकते हैं क्या, वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर रेस टू दी पावर हाफ, रूट को हम लोग पावर हाफ भी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय जो नीचे में दिख रहा है पूरा का पूरा डी थीटा। तो इसको लिख सकते हैं क्या, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, और नीचे वाला चीज़ ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से आएगा वन प्लस में डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर, और देखो तो डी एक्स से डी एक्स कट गया। तो रेडियस का फॉर्मूला जो हमारे पास आया हुआ है वो कुछ इस तरह से आया कि वन प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर पर पावर थ्री अपॉन टू, हमें इस फॉर्मूले को रट जाना है, या तो इस फॉर्मूले को रटो या फिर फिजिकल अप्रोच भी है उसके हिसाब से ही बात कर सकते। फिजिकल अप्रोच में रेडियस क्या था, वी स्क्वायर अपॉन ए जो भी नेट आ रहा है उसका साइन थीटा, और जो पसंद है मैथमेटिक्स के हिसाब से चलो या फिर फिजिक्स के हिसाब से चलो, बोथ आर वेरी इजी, इज इट ओके। तो यहाँ पर बहुत आसान सा चीज़ हमने किया कि वो बहुत बेसिक बेसिक थ्योरी है ना, ये क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, बस हमें रेडियस पता करना था, आर्क लेंथ निकाले, डी थीटा निकाले, डिवाइड किए, आ गया। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा इक्वेशन आया है, लेकिन ठीक है चलेगा। और सेकंड नंबर में ये हमें फिजिकल अप्रोच,
सपोज कर लेते हैं अगर हम इसी को देखना चाहते हैं, हमें कैसे डील करना है इसके हिसाब से या इसके हिसाब से, हम दोनों सवाल, दोनों तरीके सवाल बनाएंगे भी, ठीक है, लेकिन एक बेसिक सा आइडिया के ऊपर बात करते हैं। पहला बात तो ये कि अगर सपोज कर लेते हैं मेरे को फंक्शन पता है, सपोज कर लेते हैं कि मेरे पास कोई फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पता है, अगर कोई बॉडी किसी भी पाथ को ट्रेस आउट कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एक इक्वेशन मेरे को पता होगा, वो दोनों ही केस में पता होगा, हम जैसे भी यूज़ करना चाहते हैं। अगर मेरे को ये पता है तो हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे एक बार, डी वाई अपॉन डी एक्स निकाल लेंगे जिसकी ज़रूरत यहाँ पड़ेगी, और सेकेंड में इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट कर देंगे जिसकी ज़रूरत हमें यहाँ पड़ेगी, दोनों को हम लोग यहाँ पुट करेंगे, रेडियस आ गया, वेरी इजी। इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। सपोज कर लेते हैं कि अगर कोई बॉडी ऐसा कोई सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, मतलब कोई कर्विलिनियर पाथ पे चल रहा है, तो जब वो यहाँ पर होगा तो हमें ये पता करना पड़ेगा उस समय इसकी क्या वेलोसिटी है और क्या एक्सेलरेशन है, और उस एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल क्या है। देखो तो फिर से तीन चीज़ दिख रहा है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और एंगल। और फिर ये एंगल कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं, वो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट वाला था, ए वेक्टर डॉट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। तो यहाँ से अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू निकालें तो ए वेक्टर डॉट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड इनटू बी का मैग्नीट्यूड के ऊपर बात कर सकते हैं, तो यहाँ से हमें एंगल मिल जाएगा। अगर मेरे को एक्सेलरेशन मिल गया है, वेलोसिटी मिल गया, एंगल मिल गया, तो मैं यहाँ पुट कर लेंगे जिस जगह पे बोलेगा उस जगह पर का, लेकिन ये सब पता करना पड़ेगा। और उसके लिए पता कैसे करेंगे, बहुत आसान है, अगेन मेरे को क्वेश्चन दिया रहेगा, लेट्स इट, चेक करते हैं, सवाल बनाते हैं, मज़े आएंगे, धीरे धीरे करके बहुत आसानी की तरफ बढ़ेंगे, इज इट ओके। तो पहले कॉपी कर लो यहाँ तक, उसके सवाल देखते हैं। तो देखते हैं, एक सवाल लिखा हुआ है, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाराबोला गिवन बाय द इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अल्फा एक्स एट अल्फा कॉमा टू अल्फा और एट इट्स वर्टेक्स। जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उन्हें पता होगा कि ये एक पाराबोला है और जो कि हॉरिजॉन्टल पाराबोला है हमारा, कुछ इस तरह का है ना, जिसका नाम है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू फोर अल्फा एक्स। तो इसके इसको इस पॉइंट कहते हैं वर्टेक्स, है ना, और ये जो फोर अल्फा है ये हमारा लेटस रेक्टम होता है, तो कहीं ना कहीं ये जो लेंथ है हमारा इसको ही बोलते हैं फोर अल्फा, तो ये हमारा हो गया ऊपर में टू अल्फा और ये हो गया हमारा टू अल्फा। तो ये कहीं ना कहीं लेटस रेक्टम के ऊपर बात कर रहा है, यानी कि इस पॉइंट के ऊपर बात कर रहा है ना, इस पॉइंट के ऊपर जब यहाँ पर बॉडी होगा उस समय जब ये सर्कुलर पाथ को ट्रेस आउट कर, पता नहीं किसी भी पाथ को, ये तो पैराबोला पाथ पैराबोला के पाथ को ट्रेस आउट कर रहा है, तो इस जगह पे जो भी लोकल सर्कल बनेगा उसका मेरे को रेडियस पता करना है। सबसे बेस्ट बात इसमें क्या है, ये क्वेश्चन मेरे को पता है, तो हमें पता है, पहले मैथमेटिकल अप्रोच के ऊपर बात करते हैं, एकदम धीरे धीरे बनाते हैं सवाल को, धीरे धीरे सीखते हैं सवाल बनता कैसे, फिर अच्छे अच्छे सवालों को देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिकल अप्रोच का, और देखेंगे इस मैथमेटिकल अप्रोच की लिमिटेशन क्या है, क्योंकि इस सवाल में मैंने एक वर्टेक्स के बारे में बात किया हुआ है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या इशू आएगा। तो पहले तो इसीलिए फिजिकल अप्रोच ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फोर अल्फा एक्स हो गया, तो हमें क्या चाहिए था, हमने पहले ही बात किया था कि हमें जब भी कोई इक्वेशन दिया रहेगा तो हम उसका क्या क्या पता करें, हमें रेडियस का पता है ना फॉर्मूला, वन प्लस में डी वाई अपॉन, कॉपी देख लो अभी, बाद में तो देखना नहीं है, याद कर लेना है, है ना, ये तो है। तो हमें डी वाई डी एक्स निकालना है, डी स्क्वायर वाई डी एक्स का स्क्वायर निकालना है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना है। देखो यहाँ पर एक वाई दिख रहा है क्या, हम इसको दो बार डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, तो क्या लिखेंगे यहाँ से, डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू वाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा, है ना, तो वाई स्क्वायर का हो गया टू वाई, और फिर वाई का हो गया डी वाई डी एक्स इज इक्वल यहाँ हो जाएगा फोर अल्फा। तो हमको क्या निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना था, तो हो गया यहाँ से फोर अल्फा अपॉन टू वाई, लिख सकते हैं फोर अल्फा अपॉन टू वाई, वाई वाई के जगह पे लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकते, रहने देते हैं इसको, ऐसे ही रहने देते हैं सर, ओके। अच्छा यहाँ पर दिख रहा है क्या, किस पॉइंट पर निकालना था, टू अल्फा पर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स एट टू अल्फा,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 4 अल्फा अपॉन 2 टाइम्स ऑफ 2 अल्फा पुट कर देंगे तो आई थिंक ये 1 आ जाएगा। तो डी वाई डी एक्स हमें ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है ना, ये वाई कोऑर्डिनेट, तो हमें पूछ तो रहा था इसी पॉइंट पे बताओ ये ना, ये कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, अल्फा कॉमा 2 अल्फा, इज इट ओके। तो एक पॉइंट मेरे को पता है ना, उस पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट ये हैं और ये वाई कोऑर्डिनेट है, मेरे को यहाँ वाई पूछ रहा था, मैंने वाई पुट किया, हमको स्लोप मिल गया वहाँ पर 1, यानी कि यहाँ पर स्लोप क्या आएगा, 1 आएगा, इज इट ओके। खैर हमको ये नहीं पता करना था, हमें सॉरी ये पता तो करना ही था, एक बार और करना है डिफरेंशिएट, यानी कि इस इक्वेशन को हमको एक बार और डिफरेंशिएट करना है ना, इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा इसको, है ना, डी अपॉन डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं ना, इसको डिफरेंशिएट कर दिए, इज इक्वल टू, यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा कि 2 अल्फा दिख रहा है ना, और 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, वाई पावर माइनस 1 को डिफरेंशिएट करेंगे ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस में 1 अपॉन वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आगे हमारे पास माइनस में 2 अल्फा अपॉन वाई स्क्वायर की जगह पर लिख सकते हैं 4 अल्फा एक्स, तो यहाँ से आ गया 1 अपॉन 2 एक्स, तो हमें ये देखो तो डबल डिफरेंशिएशन आ गया ना, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स का, तो बेसिकली डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, एक बार डिफरेंशिएट किए हैं उसी को एक बार और डिफरेंशिएट कर देना, तो ये हमारा डबल डिफरेंशिएशन आ गया। इस बार एक्स कोऑर्डिनेट पूछ रहा है क्या, तो हम एक्स का कोऑर्डिनेट क्या, अल्फा है, तो हम एक्स का कोऑर्डिनेट पुट कर देते हैं, तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू अल्फा बात करेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन 2 अल्फा, और 1 अपॉन 2 अल्फा आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, खत्म, पुट कर लो, आर का वैल्यू क्या आ गया, 1 प्लस डी वाई डी एक्स का वैल्यू दिख रहा है 1, है ना, रेस्ट टू पावर 3 बाई 2 अपॉन, मतलब बेसिकली ये माइनस में आएगा, तो ये माइनस बस इस बात को दिखाता है कि हमारा कुछ है ना डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा है और ये सर्कल बन रहा है, अगर ये पॉजिटिव आएगा तो अपवर्ड सर्कल बनेगा और कुछ नहीं बताएगा यहाँ पर नेगेटिव, तो माइनस में 1 अपॉन, तो माइनस लेने की ज़रूरत भी क्या है, 2 अल्फा आ रहा है यहाँ से, ये आ रहा है 1 प्लस 1 2, 2 रेस्ट टू पावर 3 बाई 2 कितना आ रहा है, 2 रेस्ट टू पावर 3 बाई 2 अपॉन 2 अल्फा, 2 का क्यूब मतलब 8 का आधा 2 रूट 2 टाइप का है ना, तो यहाँ से आ रहा है 4 रूट 2 अल्फा, ठीक है, तीन रेडियस आ गया ए पॉइंट का। प्रॉब्लम नंबर सेकंड, बी कैसे बनाओगे, क्यों बी के ऊपर दिक्कत आया, देखो तो क्या आ रहा है, डी वाई डी एक्स 4 अल्फा 2 वाई, और देखो अगर यहां पर अगर मैं देखूं, पूछ रहा है वर्टेक्स पर इस जगह बताओ, इसका कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो जाएगा, और जैसे 0 0 हुआ मैंने वाई को 0 पुट किया, स्लोप हो गया इन्फिनिटी, मैं इस फॉर्मूले को यूज कर ही नहीं सकता, तो कैसे डील करेंगे देखते हैं, पहले तो कॉपी करो, सेकंड वाले को बनाना पड़ेगा हमें फिजिकल अप्रोच के हिसाब से, नहीं तो नहीं बनेगा, कसम मैथमेटिकल अप्रोच के हिसाब से तो थोड़ा दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि हमें स्लोप डिफाइंड ही नहीं है ना, फॉर सेकंड पॉइंट के लिए हमारा स्लोप निकलेगा ही नहीं, क्योंकि मैंने जैसे ही वाई जीरो पुट करना है स्लोप हमारा हो जाएगा अनडिफाइंड, इज इट ओके। इसके लिए फिजिकल अप्रोच सबसे, फिजिक्स इज़ वेरी वेरी गुड, मैथमेटिक्स हैज मेनी रिस्ट्रिक्शंस बट मैथमेटिक्स इज क्या बोले, बिना मैथमेटिक्स से फिजिक्स नहीं है, बिना फिजिक्स से मैथमेटिक्स, पता नहीं क्या क्या जो भी झगड़े अपने हैं। तो अभी हम लोग मैथमेटिकल अप्रोच देख चुके हैं, अब देखते हैं इसका बनाने का फिजिकल अप्रोच क्या है। तो फिजिकल अप्रोच के लिए एक छोटा सा चीज़ हम लोग यहाँ पर इस सवाल के लिए करेंगे, जो कि यहाँ पर, क्योंकि हमें ये नहीं पता कि एक्सेलरेशन किस तरह से चल रहा है, क्योंकि पार्टिकल मूव कर रहा है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा इन टू एक्स के रूप में, तो पहले लिख लेते हैं फिजिकल अप्रोच। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि वाई जो है वी टाइम्स ऑफ टी के रूप में चल रहा है, मतलब एज्यूम कर लेते हैं कि वाई का जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है टाइम पर वो कुछ वी वेलोसिटी के साथ में चल रहा है ना, तो हमको नहीं पता किसी भी समय कुछ भी वेलोसिटी हो सकता है, हमें ये क्लियर नहीं है। अब ये टाइम पर डिपेंडेंट ये पावर 1 भी हो सकता है, पावर 2 भी हो सकता है, पावर 3, हमें कुछ पता
है नहीं, कुछ भी लेना है ले लो, हमने वाई इक्वल टू वी टी रखा हुआ है, इज इट ओके। अब इसको हम डिफरेंस यहाँ से टाइम का वैल्यू निकाल सकते हैं क्या, तो वाई अपॉन वी आ जाएगा, इज इट ओके। और ये तो हमारा इक्वेशन आ गया। एक और चीज़ लिख सकते हैं, वाई इक्वल टू वी टी दिख रहा है वहाँ से, है ना, तो वाई का वैल्यू वाई स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं फोर अल्फा इंटू एक्स, तो एक्स बराबर क्या जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन फोर अल्फा, और वाई का वैल्यू दिख रहा है वी टी, तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर अल्फा दिख रहा है। एज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारा ओरिजिन था, तो उसने जब वो चल रहा था तो कोई ना कहीं पोजिशन वैक्टर होगा, पार्टिकल जब चल रहा है हमारा तो कहीं ना कहीं उसका एक पोजिशन होगा, तो उसका पोजिशन वैक्टर आर वैक्टर लिख सकते हैं, तो आर वैक्टर क्या होगा, लेट पोजिशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल आर वेक्टर, तो आर वेक्टर क्या हो जाएगा, उसका कुछ एक्स कंपोनेंट होंगे और कुछ वाई कंपोनेंट होंगे, तो एक्स का वैल्यू दिख रहा है क्या दिख रहा है वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन फोर अल्फा आई कैप, और वाई के जगह पे दिख रहा है हमको वी टी जे कैप, जो कि हमारा आर वेक्टर। अब अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे वेलोसिटी मिलेगा, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना, तो वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा, इसको हम लिख सकते हैं डी आर वेक्टर अपॉन डी टी, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारा साफ साफ दिख रहा है कि वी स्क्वायर अपॉन फोर अल्फा बाहर आ रहा है, डिफरेंशिएट करेंगे टू टी आ जाएगा आई कैप, अब प्लस में यहाँ से वी बाहर आ गया जे कैप हो गया, और अगर हम एक्सेलरेशन निकालेंगे इसका तो ये हो जाएगा हमारे पास डी वी बाई डी टी, है ना, अगर हम इसको एक्सलेट करेंगे तो हमारा इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सॉरी तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टू वी स्क्वायर अपॉन फोर अल्फा आई कैप, और तो कुछ नहीं आने वाला, ये हो गया हमारा वेलोसिटी और ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन। अब जिसमें जाओ पुट करो, वर्टेक्स पे निकालना है, यहाँ पर निकालना है, जो निकालना है निकाल लो। हम सबसे पहले निकालते हैं बी नंबर क्वेश्चन जो कि पहले अधूरा था, और फिर ए के तरफ जाएंगे, है ना, तो बी के बारे में बात करते हैं, एट वर्टेक्स देखते हैं। वर्टेक्स पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0, 0, जब बॉडी 0, 0 पर था तो वहीं पर हमने एज्यूम कर लिया कि वो टाइम का वैल्यू शुरुआत में यहीं से चलना स्टार्ट किया था, तो टाइम का वैल्यू 0 हो गया, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आ जाएगा, वी वेक्टर का वैल्यू अगर हम यहाँ पर देखें ये तो 0 हो जाएगा इंटायर टर्म, तो जाएगा वी जे कैप, और एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 2v² अपॉन 4α आई कैप। इसका मतलब ये हो गया कि एक्सेलरेशन हमारा देखो साफ साफ आई कैप की तरफ है और वेलोसिटी हमारा जे कैप की तरफ है, और जो कि परपेंडिकुलर है, हमें चाहिए भी तो था यही, एक्सेलरेशन इक्वल टू दैट मच ऑफ वेलोसिटी का होल स्क्वायर बाय रेडियस, रेडियस इक्वल टू वी स्क्वायर बाय ए, यानी होता है दिख रहा ना परपेंडिकुलर वाला, हम लोग पढ़े थे ना अभी, हमें चाहिए क्या, एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वाला जिसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर बाय आर, बस खत्म हो गया, वी स्क्वायर जो कि वैल्यू है दिख रहा है वी स्क्वायर बाय ए, 2v² इंटू 4α, ये जो भी था वो हमारा कट जाता है बार बार, इसमें टेंशन नहीं लेना है, ये आ जाएगा 2α, यानी कि ओरिजिन पर जो लोकल सर्कल बनेगा इसका जो रेडियस होगा वो हमारा आएगा 2α के बराबर, ठीक है, तो ये इतना सा का तो मैंने बना दिया, वैसे इतना सा का नहीं बनता है बहुत बड़ा, क्योंकि ये हमारा ये जो बनता है ना ये अल्फा होता है, तो कहीं ना कहीं इतना बड़ा एक सर्कल बनेगा ऐसे करके, मतलब पिक्चर हमारा कुछ पाराबोला जो बनता है वो कुछ इस तरह से चलता है, ये होता है हमारा ये हो गया 2a, तो इतना बड़ा सर्कल यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, है ना, 2α लेंथ का, ये अल्फा हो गया, है ना, और ये हो गया 2α सेंटर इस तरह, ओके। अगर बॉडी यहाँ पर है तो यहाँ होगा तो कुछ और सर्कल बनेगा, सेंटर बनेगा, रेडियस बनेगा, और ऑब्वियसली बात है अभी हम लोग देखे थे कि इस पोजीशन पे हमारा 4√2α आ रहा था जो कि और बड़ा सर्कल बनेगा, है ना, तो हर जगह पे अलग अलग आएगा, अभी देखते हैं उसको भी बनाते हैं फिजिकल अप्रोच से फर्स्ट वाले को भी यहाँ तक चलने के लिए, है ना, यहाँ तक हमारा मतलब किसी इस तरह के सवाल में हम लोग यहाँ पर जो दिख रहा है यहाँ तक तो सब कुछ ठीक ठाक है ना, पुटिंग हमने यहाँ से किया था, हम लोग यहीं से बढ़ेंगे आगे,
इज इट ओके? चलो इरेज उरेज कर देते हैं इसको, पहले कॉपी कर लो इसको, कोई दिक्कत बताओ कैसे? अब सॉल्व करते हैं पार्ट वन नंबर जो क्वेश्चन था, जो कि सेम फिजिकल अप्रोच है, यहाँ तक मैं सिर्फ मैंने इरेज किया है ना, तो देखते हैं वही अप्रोच करना है हमें कि मान लेते हैं कि बॉडी हमारा जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा वी टी से मूव कर रहा है, तो टाइम का वैल्यू हो जाएगा वाई अपॉन वी, और वाई स्क्वायर का वैल्यू जो हमें दिया हुआ है 4α इंटू एक्स दिया हुआ है, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन 4α, और वाई स्क्वायर का वैल्यू दिख रहा है यहाँ से वी टी, तो वी स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन 4α आ जाएगा। पोजिशन वैक्टर जो लिखे थे हम लोग, जो पीछे सारा चीज़ हम लोग किए हुए हैं, यहाँ से थोड़ा चेंज आएगा क्योंकि हमें वेलोसिटी टाइम पर फंक्शन दिया हुआ है और टाइम हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है वाई अपॉन वी, तो हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं बात को। तो वेलोसिटी वेक्टर जो लिखेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास वी स्क्वायर अपॉन 4α इंटू टू टाइम्स ऑफ टी, टी इज इक्वल टू वाई अपॉन वी आई कैप प्लस में वी जे कैप। थोड़ा अगर हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इसको तो ये तो कट गया और एक ये से ये भी कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास वी अपॉन 2α इंटू वाई। वाई कोऑर्डिनेट क्या है अगर हम इसके लिए बात करें तो 2α आई कैप प्लस में वी जे कैप, ये भी कट गया तो हमारे पास जो वी वेक्टर आ रहा है वो हमारे पास आ रहा है वी आई कैप प्लस में वी जे कैप। ठीक है, तो वी वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमको चाहिए, वो हो जाएगा हमारे पास वी रूट टू। क्यों चाहिए अभी समझ में आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ चुका है हमें ऑलरेडी पता है, एक्सेलरेशन वेक्टर का वैल्यू दिख रहा है 2v स्क्वायर अपॉन 4α जे कैप। आप देख सकते हो यहाँ से साफ साफ दिख रहा है कि वेलोसिटी किसी एंगल पर है और एक्सेलरेशन आई कैप की तरफ है, सॉरी आई कैप की तरफ है, यानी कि एक्सेलरेशन हमारा इधर की तरफ है और वेलोसिटी इधर की तरफ है, क्या दोनों के बीच एंगल बनेगा? हमें क्या चाहिए? इस एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, ये एक्सेलरेशन चाहिए नहीं। अभी जैसे कि पीछे आया था एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वाला, काम बन गया सीधा, कहीं ना कहीं हमको एंगल चाहिए होगा। एंगल निकालने के लिए अभी हम बात किए थे कॉस थीटा इक्वल टू वी वेक्टर ए वेक्टर बाय बी का मॉड ए का मॉड, वो यूज़ कर सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कॉस थीटा इक्वल टू वी वेक्टर डॉट ऑफ ए वेक्टर बाय बी का मॉड इंटू ए का मॉड। अब वी वेक्टर दिख रहा है, क्या दिख रहा है? वी आई कैप प्लस में वी जे कैप, डॉट करवा देंगे इससे तो क्या आ जाएगा 2v स्क्वायर अपॉन 4α आई कैप, और वी का मॉड दिख रहा है वी रूट टू इंटू एक्सेलरेशन का मॉड दिख रहा है 2v स्क्वायर अपॉन 4α। तो यहाँ से आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको छोड़ छाड़ देंगे, तो हमारे पास जो कॉस थीटा का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारे पास 2v का क्यू अपॉन 4α इंटू, यहाँ से साफ साफ दिख रहा है 2v का क्यू अपॉन 4α, नीचे में रूट टू साफ साफ दिख रहा होगा 1/√2, जिसके कॉरस्पॉन्डिंग हम थीटा की जगह लिख सकते हैं 45 डिग्री, दैट थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, और एक्सेलरेशन का जो ये कंपोनेंट आएगा वो साइन थीटा आ जाएगा ना, ए साइन थीटा। तो लिख सकते हैं क्या रेडियस इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ए नेट का साइन थीटा, जो भी हम लोग पीछे लिखे हुए थे, तो वी का वैल्यू यहाँ पर कितना है वी स्क्वायर है, और ए नेट कितना है ना 2v स्क्वायर अपॉन 4α, और साइन 48 1/√2, ये कट गया क्या? तो क्या आया 2√2α, इज इट ओके? कट गया क्या? हाँ सॉरी, वेलोसिटी यहाँ पर है हमारा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है हमारा v√2 है ना, ये इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा थोड़ा गड़बड़ हो गया सॉरी। यहाँ पर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो आ रहा है वो हमारा v√2 आ रहा है, तो v√2 का होल स्क्वायर अपॉन ए नेट, ए नेट यही है ना 2v स्क्वायर इंटू 4α, और साइन थीटा का वैल्यू 1/√2, इज इट ओके? तो यहाँ से आ गया वी स्क्वायर से वी स्क्वायर खत्म हो गया, 2 से 2 खत्म हो गया, तो 4√2 टाइम्स ऑफ अल्फा, दैट्स योर आंसर।
है ना, जो कि हमने प्रीवियस में निकाला हुआ था। ज़्यादा टाइडी नहीं हो रहा है, हमने बस पूरा तरीके से बनाया है। अब फटाफट बनाएंगे, एक दो सवाल और देखते हैं, मज़े आ रहे होंगे उम्मीद करते हैं। बस सांस रोक करके बैठे रहो, सांस रोकना है, सांस लेना है, इसे रोके अब अच्छे सवाल बनाते हैं। उम्मीद कर रहे हैं क्वेश्चन का लेंथ देख करके भाग उगने जाना भाई, बहुत आसान है, बहुत आसान, दो दो लाइन का सवाल है, ठीक है। पहले समझते सवाल को क्या कर रहे हैं। व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पैराबोला ट्रेस्ड आउट बाय द प्रोजेक्टाइल इन विच अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड यू एट एन एंगल थेटा विद द हॉरिजॉन्टल एट अ पॉइंट। याद रख, तो समझते पहले हो क्या रहा है ना। तो आसान सवाल है, एक प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका है किसी यू स्पीड से किसी एंगल थीटा पर, दैट्स इट। यहां से यहां तक तो यही कह रहा है, व्हाट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो तो हमें पता है क्या करना है। एक पैराबोला ही ट्रेस आउट होता है ना। अगर मैंने एक बॉडी को यू स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका होता है ना, हॉरिजॉन्टल से, तो ऐसे ही नहीं चलता, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का बात कर रही है। वेयर द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल थेटा बाई टू विद द हॉरिजॉन्टल, यानी कि अभी थेटा है तो कभी ना कभी तो यहाँ पर जब वेलोसिटी होगी भी तो कोई एंगल थीटा बाई टू बनेगा। इस जगह पर जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनेगा हमको ये पता करना है। बहुत आसान सवाल है, कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। हमको पता होना चाहिए क्या, इक्वेशन, याद है इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मेरे को पता है, है ना, पता है ना इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब भाई एडवांस की तैयारी करने बैठे हो तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का तो इक्वेशन पता होगा। तो क्या होता है, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में क्या होता है, वाई इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस में जी एक्स का स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे कुछ होता है ना। एक और होता है वन माइनस में एक्स बायर, है ना, रेडियस के बारे में बात कर रहा होगा तो। ओके चलो स्टार्ट करते हैं बनाना सवाल, बहुत आसान है। ये मैंने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर लाइट आ रहा होगा, इसलिए इसको थोड़ा देख लेना कि डॉट उट टाइप का कुछ होगा नहीं, है ना, तो मैं इस लेंथ पे लिखता नहीं हूँ। ओके क्या अब तो याद हो गया होगा ये फॉर्मूला, एक बार ये पता करना मेरे को, वह पता है हम इसी क्वेश्चन चलते हैं। तो y का वैल्यू क्या पता है, x tan थीटा माइनस में जी एक्स का स्क्वायर अपॉन टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dy वाई अपॉन डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से tan थीटा आएगा कांस्टेंट है क्योंकि थीटा, माइनस में साफ साफ दिख रहा होगा x का स्क्वायर का डिफरेंस 2x हो जाएगा और g हो जाएगा यहाँ से टू यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इज इट ओके। एक बार और डिफरेंशिएट कर लेंगे, है ना, तो एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, ये तो गया ज़ीरो, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास टू से टू खत्म हो गया तो जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा आ गया, एक्स का डिफरेंशियल वन हो जाता है, याद है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ जाते हैं, हमको ये थीटा बाय टू पे पूछ रहा है, ये देखो थीटा बाय टू पे ये हो गया हमारा डी एक्स लेंथ क्या, ये हो गया डी वाई लेंथ क्या, नहीं समझ में आ रही बात, है ना, ये लेंथ कितना है डी एक्स आ गया, ये डी वाई आ गया, तो टेन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, मतलब टेन थीटा बाई टू, है ना, ये ना गिवन है हमारे पास, क्या गिवन है, टेन थीटा बाय टू कितना दिया हुआ है डी वाई अपॉन डी एक्स, मैच खत्म, पुट कर लो, वन प्लस, बार बार क्यों लिखे, डी वाई डी एक्स टेन थीटा बाई टू का होल स्क्वायर जाएगा रेस टू द थ्री बाय टू अपॉन, इसके जगह क्या लिखेंगे, सॉरी जी अपॉन यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज द सेक स्क्वायर थीटा, पता है ना, तो ये हो गया हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा बाय टू रेस टू द पावर थ्री बाय टू अपॉन जी यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया हमारे पास
यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और यहाँ से आ गया हमारे पास सेक का क्यूब थीटा बाय टू। दैट्स योर आंसर। बहुत बहुत आसान सवाल है ना, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। हमें पता है इक्वेशन, हमें पता है डीवाईडीएक्स, हमें पता है ये, हमें पता है, हमें आंसर पता है, लेकिन इससे भी आसान आंसर है फिजिकल अप्रोच से उसको बनाते हैं तब समझ में आएगा। इधर ओके, पहले कॉपी करो इसको। तो फिजिकल अप्रोच के ऊपर बात करते हैं ना, जो कि इसका मेथड नंबर टू है, ज़्यादा आसान भी है और ज़्यादा लॉजिकल भी है और वो सिखाने वाला है, तो उस पर बात करते हैं। क्या कह रहा है, ये एंगल है थीटा बाय टू। हम लोग जानते हैं कि रेडियस बराबर होता है वेलोसिटी का होल स्क्वायर अपॉन जो ए नेट होगा उसका साइन थीटा, या फिर हम इसको लिख सकते हैं ए परपेंडिकुलर, है ना, या ए रेडियल। अगर हम यहाँ पर सर्कुलर मोशन एज्यूम कर रहे हैं तो यहाँ पर जो रेडियस की तरफ एक्सेलरेशन आ रहा होगा हम उसका वैल्यू बात करेंगे। हमको एक बात तो पता है कि पूरा का पूरा जो प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा होता है उसमें एक्सेलरेशन सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड वाला ही होता है, ग्राउंड वाला है ना, ऐसे वाला ही। तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन जी वाला ही बन रहा होगा। ये थीटा है, तो ये थीटा बाय टू है, सॉरी, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाय टू, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा बाय टू। तो इसी एक्सेलरेशन का एक कंपोनेंट इधर बन रहा होगा, नहीं बन रहा होगा, तो एक कंपोनेंट जो इधर की तरफ बन रहा होगा उसको क्या लिख सकते हैं, जी कॉस थीटा बाय टू लिख सकते हैं। क्या ये एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर होगा इस वेलोसिटी के? रेडियस के जगह पे हम वी स्क्वायर बाय ए नॉर्मल लिख सकते हैं क्या, जो नॉर्मल हो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर के? तो यहाँ से आ गया वी स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल जो दिख रहा है, जी कॉस थीटा बाय टू के। आया नहीं आया, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन इस वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा हमको ये भी नहीं पता ना। ये तो पता चल गया वेलोसिटी का वैल्यू कितना होगा। एक और लॉजिकल आंसर, क्या यहाँ पर u होता है क्या, ये एंगल क्या होता है, u का cos थीटा होता है क्या? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें पता है कि हर जगह कांस्टेंट होता है, तो इधर की तरफ जो वेलोसिटी होगा जिसको हम बोल सकते हैं v का cos थीटा बाय टू, ये तो लिटरली cos थीटा ही होगा ना। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u का cos थीटा जो हमारा v cos थीटा बाय टू के ही बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हम v का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, u cos थीटा अपॉन cos थीटा बाय टू। मजा आ गया। तो वेलोसिटी का होल स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस का स्क्वायर थीटा बाय टू अपॉन जी कॉस थीटा बाय टू। तो क्या आ गया, यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा सेक का क्यूब थीटा बाय टू। टिंग टिंग टिंग, मोर लॉजिकल, आसान भी है, इतना ही बता देते हैं पहले ही। तो बहुत कुछ सिखाना था बेसिकली मेरे को, ये बताना था कि मैथमेटिक्स कैसे यूज़ हो रहा है, फिजिक्स कैसे यूज़ हो रहा है, तभी तो इतना आसानी से हम लोग सवाल बना पा रहे हैं, है ना। तो बहुत आसान है कि हमें इस जगह की वेलोसिटी मेरे को चाहिए थी जो मिल गया, एक्सेलरेशन हमको वो चाहिए जो कि वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जो हमें मिल गया, डिवाइड कर दिए, आंसर आ गया, दैट्स इट। ओके, तब अगले पॉइंट की तरफ बढ़ जाएं, बी। पहले इसको कॉपी कर लो एकदम आराम से, नहीं समझ में आएगा तो सेकंड वाले सवाल में पूरा अच्छा समझ में आएगा, है ना। पहले कॉपी कर लो इसको। तो इस सवाल का बी नंबर हिस्सा क्या कह रहा है भाई, जो पहले कह रहा था अभी भी वही कह रहा है कि एक ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो रहा है ना, जिसको मैंने यू स्पीड से फेंका है, मतलब हॉरिजॉन्टल स्पीड, यू का कॉस थीटा होगा, थीटा एंगल से फेंका। कह रहा है वेयर इट्स वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बिकम्स जीरो। इसका मतलब ये हो गया कि ये बोलना ये चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, जो बोलना चाह रहा है कि वर्टिकल कंपोनेंट जो हमारा ये यू साइन थीटा बनता है क्या ऐसे, है ना, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ये हमारा जीरो हो जाए। ये तभी जीरो होगा जब ये मैक्सिमम पॉइंट पर होगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर होगा।
तो सिर्फ और सिर्फ इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे जिसको हम यू कॉस थीटा कहते हैं, और इस समय जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा वो जीरो हो जाएगा। और हमें यह भी पता है कि यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड, ओह माय डॉग्स, सॉरी गॉड, पता डॉग जो भी पता नहीं जो भी हो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री, रेडियस से मजा आ गया, पी स्क्वायर बाय ए नॉर्मल, नॉर्मल जी खत्म, रेडियस का वैल्यू क्या आ गया, यू स्क्वायर कॉस का स्क्वायर थीटा अपॉन जी। एनी डाउट, कोई तकलीफ, नहीं समझ में आया, मजे आ गए, कॉपी कर लो, कुछ समझ में नहीं आया, आ गया। हमें सिर्फ ये चाहिए कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हिस्सा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी डाउनवर्ड है ना, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर वाला रेडियस ऑफ कर्व चला गया, कॉपी कर लो। अभी एक और सवाल देखते हैं जो आसान है ना। ओके, ये सवाल बस एक प्रैक्टिस के लिए और कुछ भी नहीं, हम लोग सब कुछ सीख चुके हैं जो सिखाना था हमको, है ना। तो इसमें बस कुछ नहीं है, एक स्टोन है, पढ़ दें क्या पूरा क्वेश्चन, अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री एट द एंड ऑफ 3 सेकेंड्स आफ्टर द मोशन बिगिन, है ना। तो बहुत आसान है, तो इसमें क्या कह रहा है, एक बॉडी है और इसको हमने 10 मीटर पर सेकेंड से हॉरिजॉन्टली फेंका है, तो वो कहीं ना कहीं ऐसे चल रहा होगा, और जब वो चल रहा होगा तो 10 सेकेंड के बाद मान लेते हैं यहाँ पर बॉडी पहुँच गया, जब यहाँ पहुँचेगा तो इस समय जो लोकल सर्कल बनेगा उसका लोकल रेडियस मेरे को चाहिए। बहुत आसान है, तो सबसे पहले हम लोग सीखे हुए हैं, एक ट्रेडिशनल पाथ से बनाते हैं और एक ऐसे बना जाएंगे, है ना। तो ट्रेडिशनल क्या हो जाएगा, सपोज सबसे पहले हम इसका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पता करेंगे। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कैसे पता करेंगे, तो एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट हमारा, ठीक है, ये हमारा एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, तो एज्यूम कर लेते हैं कि एक्स कोऑर्डिनेट जो है हमारा मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो ये जो लेंथ होगा है ना, ये लेंथ हमारा एक्स है और ये लेंथ हमारा कुछ वाई हो जाएगा, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम, तो 10t मान लेते हैं किसी भी टाइम टी पर यहाँ पर पहुँचा होगा ये बॉडी, ठीक है, एक्स का वैल्यू हो गया 10t, तो टी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन 10, और वाई का वैल्यू क्या लिख देंगे, यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर के हिसाब से, तो 0 प्लस में हाफ ऑफ 10t स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास हाफ ऑफ 10 टी स्क्वायर, यानी कि एक्स का स्क्वायर अपॉन 100, है ना, तो ये तो कट गया, साफ साफ दिख रहा होगा, तो एक्स का स्क्वायर अपॉन 20 ये वाई आ गया, जी नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हम नेगेटिव भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो बस हमें y मिल चुका है, यानी कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री मिल चुका है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स और डी स्क्वायर वाई बाई डी, बस खत्म हो गया मैच, खत्म सवाल, खत्म, डी वाई बाई डी एक्स लिख सकते हैं यहाँ से, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस में 1/20 × 2x, तो हो जाएगा एक्स अपॉन 10 माइनस में, और स्लोप निगेटिव आ रहा है ना, एक्स का वैल्यू पुट कर लो ना, एक्स का वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स का वैल्यू क्या होगा, 3 सेकेंड के बाद एक्स का वैल्यू, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमारा फिक्स रहता है 10 रहता है, तो ये हॉरिजॉन्टल ही अगर वो 3 सेकेंड के बाद यहाँ पहुँचता है, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर किया होगा, तो 10 × 3 मतलब 30 मीटर इसने कवर किया होगा, नहीं समझ रहा, एक्स डिस्टेंस इधर तो सेम फिक्स है, तो 10 के स्पीड से आगे बढ़ रहा है, 3 सेकेंड के बाद 30 मीटर, तो यहाँ पर अगर हमको पता चल गया कि 30 अगर पुट कर दें तो ये कितना आ जाएगा, डी आई डी एक्स एट टी इक्वल टू 3 सेकेंड्स में बात करेंगे, तो यह आ जाएगा हमारे पास 30/10 -3, यानी कि स्लोप आया है नेगेटिव, स्लोप हमें मिला है -3, इधर ओके होना भी चाहिए था, वो देखो डिक्रीजिंग कर्व है ना, और आगे देख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर, और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस में सीधा सीधी 1/10 आ रहा है, और क्या चाहिए, कुछ नहीं, रेडियस का फॉर्मूला 1 + dy/dx का होल स्क्वायर रेस टू दी पावर 3/2 / dy/dx का होल स्क्वायर,
तो लिख सकते हैं यहाँ से वन प्लस में डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे लिख सकते हैं थ्री, तो यानी कि थ्री का होल स्क्वायर रेस टू द पावर थ्री बाय टू अपॉन इसके जगह पर लिख सकते हैं माइनस वन अपॉन टेन। ये निगेटिव आ रहा है, निगेटिव सिर्फ इसलिए बताए थे कि नीचे की तरफ पर सर्कल बनेगा है ना, और अगर पॉजिटिव होता तो ऊपर की तरफ सर्कल बनता सेट। ओके तो यहाँ से आ रहा है हमारे पास टेन रेस टू दावर थ्री बाय टू अपॉन इंटू टेन है ना, तो ये आ रहा है हमारे पास टेन का क्यूब यानी कि थाउजेंड का रूट इंटू टेन, ये हो गया हंड्रेड का टेन रूट टू इंटू टेन, दैट्स हंड्रेड रूट टू मीटर का रेडियस आ चुका है हमारे पास। ओके फिजिकल अप्रोच के तरफ बढ़ते हैं, जो आसान है पहले इसको सॉल्व कर लो है ना, बस एक प्रैक्टिस के लिए। फिजिकल अप्रोच भी देख लेते हैं, वो भी प्रैक्टिस के लिए हो जाएगा कि और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगा कि कैसे इसको डील कर रहे हैं ना, तो पहले कॉपी करो इसको। तो फिजिकल अप्रोच की तरफ बढ़ते हैं ना, तो फिजिकल अप्रोच क्या कर रहा था, फिजिकल अप्रोच 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से बॉडी फेंका रहा है, तो 10 सेकंड्स के बाद या 3 सेकंड्स के बाद इसकी कुछ मोशन वगैरह के बारे में बात कर लेते हैं। हमको रेडियस चाहिए, रेडियस क्या होता है, वेलोसिटी का होल स्क्वायर अपॉन ए नॉर्मल जो बन रहा होगा है ना, और हमको पता है कोई भी प्रोजेक्टाइल जी के कारण होता है ना, तो यहाँ पर जो भी एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका तो जी डाउनवर्ड ही बन रहा होगा, टेन नीचे ही बन रहा होगा ऐसा। ओके हम लोग आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से, हमको पता है यहाँ पर इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी 10 ही रहेगी, 10 तो 10 आसान है, 10 सेकेंड सॉरी 3 सेकेंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, डाउनवर्ड, डाउनवर्ड वेलोसिटी क्या होगा, तो v इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, u प्लस ए टी, तो u तो 0 हो गया डाउनवर्ड वाला, g हो गया 10, टाइम का वैल्यू हो गया 3, तो हो गया माइनस में 30 मीटर पर सेकेंड है ना, तो ये सारे डाउनवर्ड वाले वेलोसिटी आ रहे हैं, तो डाउनवर्ड वाला जो वेलोसिटी आ रहा है इधर की तरफ ये आ रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, तो जो भी नेट बनेगा वो हमारा कहीं ना कहीं इधर बनेगा है ना, वेलोसिटी का वैल्यू, और हॉरिजॉन्टल से एंगल मान लेते हैं ये थीटा है, और जी भी इधर की तरफ बन रहा है, हमको क्या चाहिए, इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट वाला जी कॉस थीटा, क्योंकि अगर ये थीटा है 90 डिग्री आती है थीटा बन जाएगा, जी इधर की तरफ जा रहा है तो जी कॉस थीटा इधर बन रहा होगा, हमको ये वेलोसिटी और इसी का मतलब इसका स्क्वायर बाय अपॉन ये चाहिए, खत्म। तो वेलोसिटी का वैल्यू पहले क्या होगा है ना, ये सारे वी वाई हैं है ना, वाई कंपोनेंट वाले, तो वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो साफ साफ अगर मैग्नीट्यूड पे बात करें तो रूट ओवर 30 का स्क्वायर प्लस में 10 का स्क्वायर आ रहा होगा, जिसको हम लोग 1000 लिख ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना, और क्या लिखें, कुछ नहीं, रेडियस का वैल्यू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर अपॉन जी कॉस थीटा, तो भी का स्क्वायर कर देंगे तो सीधा सी 1000 दिख रहा होगा, जी के जगह पर 10 लिखेंगे, कॉस थीटा का वैल्यू, कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेन्यूस, तो बेस ये हो गया और हाइपोटेन्यूस ये बनेगा, यानी कि 10 अपॉन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड यानी कि रूट ओवर 1000, मतलब समझ में आ गया होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड टाइप का, तो ये हो गया यहाँ से आता खत्म, ये हो गया 10, यहाँ से भी मिलेगा 10 रूट टू, दैट्स योर 100। सारा चीज़ बता दिए, फिजिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल का प्रूफ, और उसके बिहाफ में कुछ 4-5 क्वेश्चंस, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, अच्छे वीडियोज़ के साथ में मिलेंगे, और आप लोग का साथ रहा तो आगे बढ़ेंगे, बाय बाय।